हेलो फ्रेंड्स, घरेलू औषधि में आपका स्वागत है। आज आपके सामने फिर एक नया बीमारी का इलाज लेके आ रहा हूँ। इसका नाम है उच्च रक्तचाप का इलाज। हाँ जी, जिन भी भाइयों बहनों को ये समस्या झेलनी पड़ती है उनका संपूर्ण इलाज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसको क्या करें क्या ना करें ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हैं। इसे इंग्लिश में हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाँ जी, आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो पानी की मात्रा आप ज़रा बढ़ा दें, ताकि आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो आपकी धमनियों के अंदर जमा हुआ है, वो थोड़ा कम हो जाए। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा बात को मेरे। सबसे पहले आपको जो महत्वपूर्ण सामग्री चाहिए वो ये है, ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण सामग्री में आपका आता है प्याज का रस, जी हाँ, और शुद्ध शहद, जो शुद्ध शहद होता है वो भी चाहिए। शुद्ध शहद लेने के बाद आपको करना क्या है, ये दोनों चीज़ तो अत्यंत ही आवश्यक है। प्याज का रस और शुद्ध शहद बराबर मात्रा में मिलाकर नित्य 10 ग्राम 2 चम्मच की मात्रा में दिन में एक बार लेना रक्तचाप का प्रभावशाली इलाज है। आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत ही प्रभावशाली इलाज है ये, और बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। यूजुअली लोग टैबलेट लेते हैं, यूजुअली लोग मेडिसिन जाके एलोपैथिक लेते हैं। वो चीज़ें क्या करती है दोस्तों, क्षणिक होती है, वो कुछ वक्त के लिए आपके शरीर पे प्रभाव करेगी, लेकिन बाद में फिर वही चीज़ हो जाएगी। तो यानी आपको एडिक्ट करती है मेडिसिन लेते लेते, और जब एडिक्ट होते हैं तो वही चीज़ आपके शरीर में पुनः जब आप लेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। तो एक साल, दो साल, चार साल के बाद वो चीज़ खुद डीएक्टिवेट हो जाती है, आपकी शरीर उसको अडाप्ट कर लेती है इतना कि वो काम नहीं करता है। तो ये शरीर की इम्यूनिटी होती है। इसलिए दोस्तों आप नेचुरल चीज़ ट्राई करें और रोग मुक्त रहें, क्योंकि नेचर से जितना जुड़े रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। तो इसको कैसे लेना है ये तो मैंने बता दिया, क्या लेना है ये भी मैंने बता दिया है। प्याज का रस के बारे में थोड़ा आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। प्याज का रस खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके दिल के दौरों को भी रोकता है। ध्यान रहे, ये दिल के दौरों को भी रोकता है प्याज का रस, और आपके खून को साफ करता है, पाचन में सहायक होता है, हृदय की प्रक्रिया को सुधारता है, अनिद्रा जिनको अधिक आती है वो भी रोकता है। शहद शरीर पर शामक प्रभाव डालकर रक्त वाहिनियों को उत्तेजना घटाकर और उनको सिकोड़कर उच्च रक्तचाप घटा देता है। जी हाँ, शहद बहुत ही प्रभावशाली एंटीबायोटिक एलिमेंट है आपके आपके प्रकृति में, और इसका उपयोग बहुत ही व्यापक है। वैसे तो इस प्रयोग को आपको 5-7 दिन लेकर देखें, लाभ होने पर आवश्यकता अनुसार कुछ दिन और ले सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर उच्च रक्तचाप में तत्कालिक लाभ के लिए आपको ज़रूरत है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया और तत्कालिक लाभ चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा मैं उसका सेपरेट इलाज बता रहा हूँ दोस्तों। उसका सेपरेट इलाज ये है, उच्च रक्तचाप में 100 ग्राम पानी में, ध्यान रहे ये सेपरेट है, उच्च रक्तचाप तत्कालिक लाभ के लिए मैं बता रहा हूँ। उच्च रक्तचाप में 100 ग्राम पानी में आधा नींबू निचोड़कर दिन में 2-3 बार 2 घंटे से पीने से तुरंत लाभ होता है। दिन में 2-3 बार दो घंटे से पीने से तुरंत लाभ होता है, ध्यान रहे इस चीज़ का। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है दोस्तों, इसे आप ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये अच्छी से अच्छी जो मैं वीडियो आपके सामने बना के लाता हूँ और रोग का इलाज बताता हूँ, ये और लोगों तक पहुँच सके और लोगों का कल्याण हो सके। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।